क्या हो रहा है बहू, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं है तो छोड़ दो काम, मुंह धो के कुछ नाश्ता कर लो। क्या हुआ बहू? चक्कर जैसा दे रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है और लगता है कि कमजोरी सा महसूस होता है, चलने की मन नहीं कर रहा है। मासिक का डेट फालतू है। ये तो खुशी का बात है, किसी को बताना नहीं चाहिए, नजर लग जाए। हम आ रहे। अरे वाह, सिंटू दीदी गर्भवती है। टीका लगवाना है, जल्दी से आ जाइए। अथी आपके बहू का आंगनबाड़ी केंद्र। ये है हमारे गांव की आशा दीदी, जो स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी हमको घर तक आकर के बताती हैं। सही बात है ना, हम जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर। जैसे कि माँ और बच्चे का समय समय पर होने वाली जांच, टीकाकरण और सरकारी योजनाओं से होने वाले फायदे। आपको क्या लगता है, क्या ये आशा दीदी सिंटू दीदी की सासू माँ को ये सारी जानकारी दे पाएंगी? आइए देखते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, कैसे हैं दीदी? ठीक है दीदी, समाचार सब? और सब ठीक ना? हाँ हाँ सब ठीक। बहू सब ठीक ना? हाँ सब ठीक है। हरबर में बारे जा रहे हैं? काम है जरा दीदी, सब ठीक है। कुछ तो जरूर गड़बड़ है। आप से मिलने दीदी। क्या बात है दीदी, बोलिए। हम और बहू के गर्भवती हो दीदी जी, तोरे से बोले इसे बताना नहीं दीदी। किसी से नहीं बताएंगे दीदी, पहला बच्चा है दीदी। दस आदमी को जाएंगे, नजर लग जाएगा तो हम देखी घर ही में देखभाल करेंगे दीदी। ये दिल में अंधविश्वास नहीं रखी दीदी। पहले दीदी देखे 500 बच्चा होता था, लेकिन स्वास्थ्य सब व्यवस्था नहीं रहे के कारण आधा बच्चा छोटे छोटे में गुजर जाता था। अब सब व्यवस्था हो गया है दीदी। आशा दीदी से बोलिएगा ना, चेकअप करावेंगे, टीका करावेंगे, सब बच्चा स्वस्थ रहेगा। आप बोलते हैं तो दीदी हम आशा दीदी से मिल लेंगे, ठीक ना? हाँ, उनका से जरूरी मिल लेंगे हम उनका। सिंटू जी घर में? नमस्ते दीदी, बैठी आई। कुछ सुने हैं आपके बारे में भाई? भाई खुशी खुशी की बात है, बताइए। सही बात है। सही में है? कितना दिन हुआ? एक महीना। एक महीना हो गया है। कितनी तारीख को हुए हैं? 3 जून को। 3 जून को। कैलेंडर से बता रहे हैं सही डेट? हाँ सही डेट बता रहे हैं। डेट याद रखना चाहिए, पक्का सही डेट रखना चाहिए कि हम लोग वही डेट से डिलीवरी वाला डेट को सही निकालते हैं। सही डेट बता रहे हैं। और आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ पड़ता है गांव में, वहाँ हम आइएगा ना, तक किट से हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर देंगे, पता चल जाएगा हमको भी कि सही है कि नहीं है जे। ठीक है, चार जांच जरूरी करवाना है, ध्यान में रख लीजिएगा, ये चार जांच जरूरी करवाना है। कौन कौन सी जांच करवाना? मैंने चार एनसी जांच। जाना जरूरी है? हाँ जाना जरूरी है। क्या होता है कि बच्चा कमजोर रहता है, बीपी ब्लो रहता है, चाहे हीमोग्लोबिन कम है, क्या मैंने कमी है उस पथी, ब्लड कम रहता है, इस सब को जांच होता है कि क्या चीज का उनको कमी है। चार जांच कब को करवाना है? जैसे मौसम चार होता है ना, उसी तरह से चार को जांच को गेट गांठ बांध लीजिए कि चार जांच हमको करवाना है। पहली प्रसव पूर्व जांच, जिसमें गर्भवती महिला का पंजीकरण होता है एवं माँ और बच्चे का सुरक्षा कार्ड बनता है, ये गर्भ रुकने के 3 महीने के अंदर जरूर करवा लेना चाहिए। दूसरी प्रसव पूर्व जाँच, जो की 4th से 6th महीने के अंदर हो जानी चाहिए।
तीसरी प्रसव पूर्व जांच सातवें और आठवें महीने के बीच में करवानी होती है। चौथी और आखिरी प्रसव पूर्व जांच नौवें महीने में करवानी चाहिए। कम से कम 4 ANC जांच की गांठ बांध लीजिए। कहाँ गए सासू माँ? गए चाय लाने के लिए, बताए आज तो बुलाइए ना उनको, सब भी मिले आ रहे हैं चाय लेके। सासू ससुर माँ जानते हैं? आज बताएं मम्मी को। आज बताएं? हाँ मम्मी तो मना किए हैं बताने के लिए। काहे के लिए इसमें मना किए हैं बताने के लिए? मना किए तो उनको हम समझा देंगे, 4 जांच जरूरी करवाना है और लेके जाएंगे भी करवाने के लिए। मम्मी मम्मी चाची कहाँ गए? आइए ना। आइए कुछ खबरी है, बैठिए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, बैठिए। कुछ खबरी है आपको, बहू है जो माँ बनने वाली है। अच्छा। पता है ना? बताए हैं? बताए हैं। मना रखी है कि नहीं किसी से बताना, नजर लग जाएगी। जब आशा दीदी को नहीं बतावेंगे तो किनको बतावेंगे? बताइए, इनको 4 जांच जरूरी करवाना है। आंगनबाड़ी में होगा कि कहाँ? आंगनबाड़ी केंद्र पर भी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी होता है। बोले चलना है ना बहू? हाँ जाएंगे तो मर जाए तो 4 बार जाना जरूरी है, 2 बार में नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, 4 जांच दम जरूरी करवाना है। 2 जांच करावे से कोई फायदा नहीं होगा, जब तक 4 जांच नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। आशा दीदी ने सिंटू दीदी को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच यानी कि ANC जांच कराने की सलाह दे दी, जो कि ANM दीदी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में की जाती है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं चाची। ठीक है, हम चलते हैं, सब खुशी से रहिएगा, खुशी से रहिएगा सिंटू जी, हम चलते हैं चाची। ध्यान दीजिएगा, कितना खुशी की बात है। नमस्ते दीदी, मैं नम्रता कुमारी ANM PSA चंडी में कार्यरत हूँ। मैं आप लोगों को अब गर्भावस्था से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊंगी। आप लोगों को जैसे ही गर्भ का पता चले, उससे पता चलते ही आशा से पूछे कि मेरा नाम आंगनवाड़ी में रजिस्टर्ड है या नहीं, उसको मतलब सुनिश्चित करें। पहला ANC है जैसे ही गर्भ का पता चले 3 महीने के अंदर, दूसरा है 4 से 6 माह पर, तीसरा है 7 से 8 माह पे, चौथा है 9 माह पे। ये जरूर से जरूर 4 ANC गर्भावस्था के दौरान कराएं। एक जांच PSA में आके जरूर कराएं, डॉक्टर की देखरेख में, और वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी आपको, और आपका आपका परिवार और आप दोनों खुशहाल रहें। चलिए बहू, तैयारी हो गए हैं तो चलिए, तैयारी हो गए हैं तो चलो, फिर भीड़ हो जाएंगे। गांव की बाकी गर्भवती महिलाओं के साथ मिलकर सिंटू दीदी और उनकी सासू माँ आशा दीदी के बताए हुए ANC जांच करवाने नजदीकी आंगनवाड़ी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर निकल पड़ी हैं। ध्यान रखें कि कम से कम 4 ANC जांच जरूर करवाएं। वहाँ पंजीकरण के साथ साथ कौन सी जांच क्यों की जाती है, आइए हम ANM दीदी से खुद ही जानते हैं अगले वीडियो में।